नमस्कार फ्रेंड्स, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल को इतना सराहा, और बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हैं। और समय की व्यस्तता के कारण मैं शायद रेगुलरली वीडियो डाल नहीं पा रहा था, पर मैं कोशिश करूंगा कि वीक में दो बार एटलीस्ट आपको मेरे वीडियो दिखे, मंगलवार को और शुक्रवार को। और मैं कोशिश करूंगा उन कमेंट्स को लेने की जिनके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और जिनको मैं चाहता हूं कि मैं आंसर दूं, और उन्हीं को लेके, और यदि मेरे पास कुछ और नया इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं ज़रूर उनको इसमें इंक्लूड करूंगा। तो मैं देवेंद्र जी आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि आप अपना क्वेश्चन का जो आप पूछे गए उनको स्टार्ट करिए। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा पहला क्वेश्चन है जो कि पेशेंट ने पूछा था कमेंट में, हाउ टू किल PCOD। ओके, हाउ टू किल PCOD, यदि आप बोलेंगे तो यू जस्ट कैन नॉट किल PCOD, बट यू कैन हैंडल PCOD वेरी वेल। एंड PCOD डिपेंड्स अपॉन व्हेन इट इज यूर हैंडलिंग, आप उसको कब हैंडल कर रहे हो। वो एडोलेसेंट पेशेंट है कि पोस्ट मैरिज है, पोस्ट मैरिज है तो शी उसको बच्चे के लिए जाना चाहिए, यदि बिफोर मैरिज है तो उसको हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर करना चाहिए। बेसिकली एक लाइफ स्टाइल चेंज करके, और यदि आप मेरा वीडियो देखेंगे, मैंने PCOD पे बहुत सारे वीडियो डाले हैं कि PCOD होता कैसे है और उसको कैसे मैं टैकल करता हूँ। मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि उसको जो पोस्ट मैरिज है उनका IVF, प्रो IVF रहता हूँ मैं, आप ओवेरियन ड्रिलिंग से भी उसको, पर एज सच यू कैन नॉट किल PCOD, PCOD ऑलवेज रिमेंस विथ यू, यू कैन हैंडल इट विथ एंड यू हैव ए वेरी गुड लाइफ विथ PCOD। दूसरा क्वेश्चन ये है, एक पेशेंट ने मुझसे ये पूछा है कि मैं एजोस्पर्मिया से ग्रसित हूँ और मैंने टेस्टिकुलर बायोप्सी भी करवाई फिर भी कुछ नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ। बेसिकली जो एजोस्पर्मिया का पेशेंट है, जो एजोस्पर्मिया हस्बैंड होता है, एजोस्पर्मिया दो तरह के होते हैं, एक ट्रीटेबल होता है, एक ट्रीटेबल नहीं होता है। यदि ट्रीटेबल नहीं है तो उस पर खर्च करना बहुत मतलब नहीं रखता। यदि ट्रीटेबल है और आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, जो एजोस्पर्मिया है उसको, आप एजोस्पर्मिया का बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, तो एजोस्पर्मिया इट्सेल्फ इज अ, जो टेस्टिस है ये एक फैक्ट्री नुमा है, और यहाँ पर इसका जो ब्रेन से एक मैनेजमेंट होता है, ये मैनेजर है ऊपर, और यहाँ से जो प्रोडक्ट जाता है दैट इज डक्ट सिस्टम, और ये बाहर आके फिर पेनिस के थ्रू सीमेन में स्पर्म आते हैं। तो जो एजोस्पर्मिया है उसको देखने के लिए जरूरी नहीं कि टेस्टिकुलर बायोप्सी की जाए, इसका एक एंड्रोलॉजिकल इवेल्यूशन करके ये बताया जा सकता है कि इसका मैनेजमेंट गड़बड़ है, कि इसकी फैक्ट्री खराब है, कि इसका डक्ट गड़बड़ है। मैनेजमेंट और डक्ट की खराबी को काफ़ी आसानी से मैनेज किया जा सकता है, पर जो फैक्ट्री का प्रॉब्लम होता है एक्चुअल टेस्ट इसका, उसमें ये देखना पड़ता है कि इसमें यदि कुछ प्रोडक्शन हो रहा हो तो हम टीसा के द्वारा स्पर्म निकाल सकते हैं। तो जो एजोस्पर्मिया का जो क्वेश्चन था, उस एजोस्पर्मिया के क्वेश्चन का जवाब ये है कि आप आके एक एंड्रोलॉजिकल इवेल्युएशन कराएं, ताकि ये पता चल सके कि एजोस्पर्मिया प्री टेस्टिकुलर है, टेस्टिकुलर है कि पोस्ट टेस्टिकुलर है। ये मेडिकल वर्ड है, पर ये एक, जैसे मैनेजमेंट इज प्री टेस्टिकुलर, जो फैक्ट्री है वो दैट इज टेस्टिकुलर, और जो पोस्ट मैनेजमेंट डक्ट का सिस्टम है दैट इज पोस्ट टेस्टिकुलर, कौन सी वेराइटी का है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे डॉक्टर ने बोला है कि मुझे एंडोमेट्रियोसिस है, क्या इसके कारण मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ। मैंने एंडोमेट्रियोसिस पे भी एक वीडियो बना के डाला है, और एंडोमेट्रियोसिस का मतलब ये होता है कि जो यूट्रस है, यूट्रस के भीतर की जो लाइनिंग है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ये हर महीने पीरियड के साथ बाहर आ जाती है। जब ये लाइनिंग यूट्रस के बाहर यहाँ कहीं डेवलप हो जाए, ओवरी के आसपास या फिर ट्यूब के आसपास, तो इसका ब्लड तो बाहर आ जाता है, ये चूँकि एब्डोमेन के भीतर है तो यहाँ ब्लड इकट्ठा होने लगता है, इस ब्लड इकट्ठा होने को एंडोमेट्रियोमा बोलते हैं। इस एंडोमेट्रियोमा के कारण जो ओवरी है और जो ट्यूब है ये दोनों डैमेज होने लगते हैं, खासकर ओवरी बहुत डैमेज होती है, और ओवरी डैमेज होने के कारण जो सीड की क्वालिटी है, एग की जो क्वालिटी है वो डाउन होने लगती है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट जो इनफर्टाइल हैं, जिनको बच्चे नहीं हो रहे, वो एंडोमेट्रियोसिस का बहुत ज़्यादा इलाज करने के बजाय या सर्जरी करके इसको निकालने के बजाय जितना जल्दी IVF या प्रेगनेंसी के लिए जाएंगे, प्रेगनेंसी इट्सेल्फ इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस प्रेगनेंसी नहीं होने देती, और प्रेगनेंसी यदि हो तो एंडोमेट्रियोसिस ठीक होने लगती है।
तो बेहतर यह है कि जितना ओवेरियन रिजर्व है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस से एएमएच जल्दी घटता है, मतलब एक की क्वालिटी जल्दी घटती है, जैसे जैसे एक की क्वालिटी घटेगी वैसे वैसे प्रेगनेंसी के चांसेस घटते हैं। इस एंडोमेट्रियोसिस को यदि सिम्टोमेटिक दूर करना है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है, और यदि प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट लेना है वो अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी उम्र 29 साल है और डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मेरा एएमएच लो है और मुझे एग डोनेशन से आईवीएफ करने की सलाह दी है, अब मैं क्या करूं? देखिए 29 इयर्स में यदि एएमएच कम है और यदि एग डोनेशन की सलाह दी जा रही है तो ये प्रीमैच्योर मेनोपॉज या प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर का केस है, और इसमें बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, पर जितना यदि कम एएमएच है और अभी भी यदि ओवरी में रिजर्व है तो उस एक से यदि चाहे तो अपने एक सीट से एक आईवीएफ ट्राई कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर और पेशेंट के ऊपर कि वो कितना चांस ले सकते हैं, अदरवाइज प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर या प्रीमेच्योर मेनोपॉज होना मोस्ट ऑफ द टाइम क्रोमोसोमल डिफेक्ट के कारण होता है। मेरा 2 बार अबॉर्शन हो चुका है, डॉक्टर ने मुझे टॉर्च टेस्ट की सलाह दी है, तो ये टॉर्च टेस्ट क्या होता है, क्या मुझे कराना चाहिए? देखिए मैंने पिछले कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि जो एबॉर्शन के केसेस हैं, एबॉर्शन के केसेस में टॉर्च टेस्ट कृपया नहीं कराइए। यदि आपको कराने भी बोला गया है तो टॉर्च टेस्ट से बहुत ज़्यादा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। आप देखोगे जो टॉर्च टेस्ट की रिपोर्ट आती है उसमें टॉक्सोप्लाज्मा, रुबेला, हर्पीज और साइटोमेगलोवायरस, ये मोस्टली इन वायरसेस और इन प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन का बताते हैं। इसमें एक IgG रिपोर्ट आती है, एक IgM रिपोर्ट आती है। यदि किसी में IgM है और IgG नहीं है तो मान सकते कि वो रीसेंट इन्फेक्शन है, पर ये चारों रीसेंट इन्फेक्शन हो और प्रेगनेंसी को अफेक्ट करे बहुत कम होता है। दूसरी बात, जिसको एबॉर्शन 2 बार हो चुका, सपोज एक बार किसी के कारण एबॉर्शन हुआ टॉक्सोप्लाज्मा, रुबेला, हर्पीज या साइटोमेगलोवायरस के कारण, जब भी ये इन्फेक्शन करते हैं पहली बार ये एक इम्यूनिटी डेवलप कराते हैं। इम्यूनिटी का मतलब प्रतिरोधक क्षमता, ताकि अगली बार यदि लेडी ये इन्फेक्ट हो तो इसके पास में IgG करके एक हथियार होता है जिससे इसको तुरंत ये किल करती है। तो आप देखोगे जो रिपोर्ट अधिकतर आती है उसमें IgG पॉजिटिव सब में आता है, इसका मतलब ये पेशेंट इम्यून है, मतलब इसके पास हथियार है लड़ने के लिए। तो उसको फिर से टेस्ट करना 2 एबॉर्शन के बाद, अधिकतर इनके कारण एबॉर्शन नहीं होते, इनके कारण बच्चे में डिफेक्ट्स होते हैं इन, तो 2 एबॉर्शन के बाद टॉर्च टेस्ट करके उसको देखना और उसके ऊपर टिप्पणी करना, उसमें ट्रीटमेंट देना, रोबामाइसिन देना, ये साइंटिफिक नहीं है और इसको नहीं कराना चाहिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा 2 बार IVF हुआ लेकिन एंडोमेट्रियम लाइन नहीं बढ़ने के कारण वो फेल हो गया, इसकी क्या वजह हो सकती है? जो एंडोमेट्रियम होता है, बच्चेदानी की जो लाइनिंग होती है, मतलब जब हम बच्चेदानी की लाइनिंग को देखते हैं तो ये लाइनिंग मिनिमम हम मान के चलते हैं कि 7 मिलीमीटर होनी चाहिए जब हम भ्रूण बिठाने जाएं। तो अब प्रॉब्लम ये होती है, तो क्या 7 मिलीमीटर से कम में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती? ऐसा नहीं है, 5.5 से 6 मिलीमीटर में भी प्रेगनेंसी हुई है, पर डेफिनेटली प्रेगनेंसी के चांसेस घटते हैं। अब बात आती है कि इनका जो एंडोमेट्रियल का थिकनेस है वो कम क्यों है। कई बार एंडोमेट्रियम में जो रीजनरेशन होता है, जहाँ से बेसमेंट से रीजनरेशन होता है, जहाँ से ये बनता है वहाँ पर डैमेज हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस के कारण भी होती है, कई बार एबॉर्शन कराने से भी होती है। ऐसे कारण से जो इसका रीजनरेशन पावर है वो घट गया। अब जब घट गया तो इसका जो एंडोमेट्रियम है वो कम हो गया। इस एंडोमेट्रियम को थिकनेस को बढ़ाने के लिए मैंने एक डाला है, पिछला वीडियो आप देखेंगे, हम लोग बहुत सारे मेथड यूज़ करते हैं पर बहुत ज़्यादा फूल प्रूफ नहीं है। वेजाइनल सिल्डेनाफिल देते हैं, जिसको आप व्याग्रा बोलते हो फीमेल को वेजाइना में रखने के लिए, या फिर लो डोज एस्पिरिन देते हैं, या फिर जिस दिन अंडा निकाले या उसके पहले हम एक GCSF करके एक इंट्रायूटराइन यूट्रस के भीतर हम एक दवाई डालते हैं, एक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा भी डाला जाता है, पर इन चीज़ों से कितना इम्प्रूवमेंट होता है ये बहुत ज़्यादा अभी भी पक्का नहीं है, पर इनको कोशिश करके इनको किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा एक ट्यूब बंद है लेकिन एक ट्यूब खुला है फिर भी बच्चा नहीं हो रहा,
देखिए ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और मैं इसका एक जो ग्राफिक से ही बताता हूँ कि ये बच्चेदानी है और इसकी दो नलियां हैं, ऐसे दो अंडाशय होते हैं। इस अंडाशय से हर महीने एक अंडा निकल के इस नली में जाता है, यहाँ से पुरुष का बीज चल के ये दोनों मिलके एक भ्रूण बनाते हैं। यहाँ पर बच्चा बनने की शुरुआत नलियों में ही होती है, फिर इन नलियों में हरकत होती है, उस हरकत से 5 दिन बाद यहाँ बच्चेदानी में बैठता बढ़ता और पनपता है तो एक साधारण गर्भधारण होता है। अब साधारण गर्भधारण होने के लिए इस अंडे और इस स्पर्म के दोनों बीज का मिलना जरूरी है। अब इस पेशेंट का एक ट्यूब बंद है, दूसरा खुला है, तो एक ट्यूब बंद क्यों हुई? क्योंकि यहां पर इन्फेक्शन हुआ, इसके कारण यहां बंद हो गया। प्रॉब्लम यह होती है कि यदि ये पेशेंट दूसरी ट्यूब खुली है उससे भी प्रेग्नेंट नहीं हो रही, इसका मतलब इस ट्यूब के खुले होने का भी बहुत कोई मतलब नहीं है। क्यों? ट्यूब के 3 फंक्शन होते हैं। एक होता है इस यहाँ से स्पर्म और यहाँ से अंडे को पैसेज देना, दूसरा यहाँ जो भ्रूण बनता है चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ, उस भ्रूण को खाना देना, तीसरा इस भ्रूण को पुश करके इधर भेजना। इन तीनों चीज़ों में कोई भी एक फंक्शन यदि काम नहीं करती तो इस ट्यूब के खुले होने का कोई मतलब नहीं होता। ऐसे केसेस में आप IUI भी कराओगे तो भी ये जाके यहाँ नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो यहाँ से पहुँचेगा नहीं। ऐसे केसेस में यदि एक ट्यूब खराब है तो दूसरी ट्यूब भी बहुत अच्छी नहीं है, यदि प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो बेहतर यह है कि यहाँ से अंडा निकालें, हस्बैंड का बीज लें और दोनों को मिला के भ्रूण बना के जो ब्लास्टोसिस्ट हम बनाते हैं करके यहाँ ट्रांसफ़र करें। इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जितना जल्दी करा लें उतना अच्छा है। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये सर कि अंडे तो बन रहे हैं लेकिन उनका साइज नहीं बढ़ पा रहा। ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये जो अंडाशय है उस अंडाशय में जब हम अधिकतर ऐसे केसेस में जिसमें कि क्लोमिफेन साइट्रेट टैबलेट से या फिर लेट्राजोल दवाई देने से जो बहुत सारे अंडों की रेस होती है उसमें एक अंडा जो बड़ा होता है, नॉर्मली ये बगैर दवाई से एक अंडा निकलता है, पर जब हम दवाई देते हैं क्लोमिफेन साइट्रेट या फिर लेट्राजोल, क्लोमिफेन साइट्रेट कई नाम से आती है, लेट्राजोल कई नाम से आती है, नॉर्मली तीसरे दिन से 5 दिन के लिए दी जाती है, उन केसेस में जब इसको स्टिमुलेट करते हैं तो बहुत सारे अंडे इकट्ठे दौड़ने लगते हैं और ये जाके कहीं पर एक स्टेज में जाके फंस जाते हैं। यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो तब हम बोलते हैं कि इनकी ग्रोथ नहीं हो रही। जब इनकी ग्रोथ नहीं हो रही तो निकलेगा कौन? ऐसे केसेस में मैं पर्सनली इनको इंजेक्शन देके और बड़ा करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज जब हम फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट देते हैं और यदि ये इंजेक्शन के बाद भी आगे नहीं बढ़ रहा है तो अधिकतर इनका AMH कम रहता है, ओवेरियन रिजर्व खराब रहता है, उस केस में मुश्किल होती है खुद के अंडे से फिर प्रेगनेंसी होने की। आशा है कि इन क्वेश्चन आंसर्स को मैंने ये जो सीरीज चालू किया है ये आपको अच्छा लगेगा और आपके कमेंट्स के हमें इंतजार रहेगा और मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स को साथ में लेके उनकी जवाब देने का। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।